नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल कुमार गुप्ता और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक प्रॉब्लम को लेकर के। जैसे अभी जस्ट थोड़ा देर पहले हमें एक कॉल आया मेरे एक फ्रेंड का कि भाई मेरा एक लैपटॉप खो गया है, बता उसमें क्या सोल्यूशन हो सकता है। तो भाई इसी से रिलेटेड हम बात करेंगे कि अगर लैपटॉप अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो उससे पहले आप क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं और आप खो जाने के बाद क्या कर सकते हैं, वो सारा ऑप्शन हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। जैसे जैसे उसने कॉल किया, उसके बाद हमने कस्टमर केयर से बात किया, जिस मतलब एमआई का लैपटॉप था, एमआई नोटबुक 14 था, तो एमआई नोटबुक से एमआई से हमने बात किया। उसके बाद उससे जो हमें सॉल्यूशन मिला और उसके बाद फिर हमने यूट्यूब किया, गूगल किया और मतलब जितने भी ऑप्शंस थे सारे हमने ट्राई किए। यहाँ तक कि पुलिस स्टेशन में भी अभी मेरा बंदा जो है, मेरा दोस्त है, वो पुलिस स्टेशन में ही अभी है। तो अभी हम आपको इस वीडियो अभी जस्ट हम ये वीडियो बना रहे हैं और जस्ट फॉर अवेयरनेस पर्पज़ कि आप चीज़ों से अवेयर रहिए। तो यहाँ पर देखिए, अगर यदि आप लैपटॉप इस्तेमाल करते हैं तो आप अपने लैपटॉप में कुछ सेटिंग्स को पहले से ऑन करिए। देखिए, चोरी होने के बाद मिलने की संभावना अगर 1% भी होता है, जैसे आप अपने लैपटॉप में कुछ सेटिंग्स कर ले ताकि हम उसको अगर सामने वाला बंदा अगर बोका निकलता है, मीन्स अगर उसको नॉलेज नहीं है कि कैसे लैपटॉप को इस्तेमाल किया जाता है और सीधा अपने लैपटॉप को ऑन कर लेता है, इंटरनेट से कनेक्ट कर लेता है कुछ यूज करने के, मूवीज़ देखने के लिए ऑनलाइन वगैरह, तो आप उसको अपने मतलब ट्रैक कर सकते हैं। तो वो कैसे कर सकते हैं, उसके लिए भी आपको कुछ सेटिंग्स को ऑन करके रखना पड़ेगा। यहाँ पर हम दोनों ऑप्शन दिखाएंगे, ऑन करने के बाद क्या होगा और ऑन ना करने के बाद क्या होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको जो भी आप लैपटॉप इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर ऐसा ना हो कि चोरी हो जाए, लेकिन अगर चोरी हो जाता है तो उसके बाद क्या लेंगे, लेकिन लैपटॉप चोरी होने से पहले का हम आपको कुछ प्रोसीजर है जो आपको करना पड़ेगा, कुछ स्टेप्स हैं जो आपको अपने लैपटॉप में करना चाहिए, वो करके रखना चाहिए पहले से। सबसे पहले आप अपने सेटिंग को ओपन कीजिए। सेटिंग को ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको जाना है अकाउंट, योर अकाउंट में जाना है। यहाँ पर अपना ईमेल आईडी को ऐड कर ले, या तो outlook.com पर अपना अकाउंट बना ले जो माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट होता है। और यहाँ पर अकाउंट बनाने के बाद आपको सिंपल सा आपको फिर से सेटिंग यहाँ पर होम पर जाना है। होम पर जाने के बाद अपडेट एंड सिक्योरिटी पर जाने के बाद यहाँ पर जो फाइंड माई डिवाइस आपको दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए माई डिवाइस जो है, फाइंड माई डिवाइस ऑन है, यहाँ पर लोकेशन ऑन होना चाहिए। जैसे ही अगर ऑफ रहेगा तो इसको चेंज कीजिएगा, तो आपका यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ये लोकेशन मेरा ऑन दिख रहा है, यहाँ पर से आपका लोकेशन ऑन हो जाएगा। तो ये आपको मिनिमम करके रखना चाहिए। अगर आप कोई स्पेशल कंपनी का इस्तेमाल कर सकते, जैसे मैकबुक का इस्तेमाल करें, तो उसका तो बात अलग है। ये सारे सेटिंग्स ऑन करने के बाद यदि आपका लैपटॉप कहीं खो जाता है, अगर वैसे बंदे के हाथ में जाता है कि जिसको जानकारी नहीं है कि कैसे अकाउंट को डीएक्टिवेट करें, कैसे अकाउंट को लॉग आउट करें या कैसे लैपटॉप को रीसेट करें, तो आपका लैपटॉप का मिलने का संभावना ज़्यादा है, आप लैपटॉप को ट्रैक कर पाइएगा, अदरवाइज कोई चांस नहीं है। तो यहाँ पर देखिए कि इसके बाद हमने जो बताते हैं कि जो कस्टमर केयर से बात किए, तो वो भी यही बात बोला कि भाई अगर माइक्रोसॉफ्ट का आपके लैपटॉप में अकाउंट है तो ट्रैक कर सकते हैं। वो हम आपको एक आइडिया देंगे, आपको वे देंगे कि आप ऐसे ऐसे ट्रैक कर सकते हैं, अदरवाइज़ मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि हम प्रोडक्ट आईडी से या कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन से हम कुछ अपने लैपटॉप को ट्रैक कर पाएँ। ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि हम अपने लैपटॉप के डिटेल से आपको आपका लैपटॉप को ट्रैक कर पाएँ। आपको जो उसमें अकाउंट यूज़ करते थे माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट, उसी से आपको ट्रैक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर तो हमने तो क्या किया था कि अपने लैपटॉप में, जैसे हम दिखाते हैं यहाँ पर मेरा डिस्प्ले आप देख सकते हैं, यहाँ पर हम सिंपल सा लिखते हैं माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट लिखते हैं। यहाँ पर हम थोड़ा देर पहले उस बंदा का लैपटॉप जो जिसका खोया है उसका लैपटॉप हम यहाँ पर, ये मेरा वाईफाई काम, ये देखिए हमने माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट को लॉगिन कर लिया। इसके बाद यहाँ पर आपको कोई ऐसा ऑप्शन नहीं दिखेगा जहाँ पर फाइंड माई डिवाइस दिखेगा, क्योंकि उस लैपटॉप में, जिस लैपटॉप में इस अकाउंट को यूज किया गया था, तो उस लैपटॉप में फाइंड जो आपको दिखाए थे अभी सेटिंग्स में ऑप्शन दिखाए थे ना, ये फाइंड माई डिवाइस में, यहाँ पर जो फाइंड माई डिवाइस ऑन करना था ये ऑन नहीं किया गया था। इसके लिए यहाँ पर कोई ऑप्शन, इसके वजह से यहाँ पर कोई ऑप्शन आपको नहीं दिखेगा कि फाइंड माई डिवाइस का कोई ऑप्शन नहीं दिखेगा। यदि आप वहाँ पर फाइंड माई डिवाइस ऑन करके रखता वो बंदा, तो उस लैपटॉप को हम यहाँ से ट्रैक कर सकते थे। यहाँ पर हम आपको अपना अकाउंट दिखा देते हैं कि हमने अभी जस्ट आपके सामने अपना जो माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट है इसको हमने लॉगिन कर लिया है और वहाँ पर फाइंड माई डिवाइस को हमने एक्टिव कर दिया था। यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं कि कैसे आप अपने लैपटॉप को ट्रैक कर पाइएगा। यहाँ पर देखिए ये मेरा अकाउंट है, यहाँ पर हम भी अपने आईडी को साइन इन कर लेते हैं। ये देखिए ये मेरा अकाउंट है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे हमने इस अकाउंट को जैसे लॉगिन किया, यहाँ पर देखिए यहाँ पर व्यू डिटेल या फाइंड माई डिवाइस का ऑप्शन दिख रहा है। इसके बाद जैसे हम फाइंड माई डिवाइस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर एक बार वेरीफाई करने के लिए बोलेगा कि आप ही हैं क्योंकि दोबारा से लॉगिन किए हैं,
तो यहाँ पर पासवर्ड हमने सेव किए हुए थे तो यहाँ पर इंटर कर दिए थे कि देखिए ये मेरा जो है, ये मेरा करंटली जो अभी करंट जो है मेरा डिटेल है, ये देखिए अभी हम वर्धमान में हैं तो ये वर्धमान का डिटेल दिख रहा है। लैपटॉप मिले या ना मिले वो तो बात की बात है, लेकिन अगर लैपटॉप आप यूज कर रहे हैं, अगर आप लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो आपको इन सब सेटिंग्स को ऑन करके रखने पड़ेंगे ताकि भविष्य फ्यूचर में आपको किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम हो तो थोड़ा सा हेल्प मिल सकता है। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो और कुछ अवेयरनेस से रिलेटेड वीडियो हम अपने चैनल पर लाते रहेंगे। तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो दोस्तों में शेयर कीजिए। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।